इसी बीच अभी हमने देखा एक और पद के दावेदार आए थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया है, दिलीप कुमार सिंह जी, दिलीप सिंह जी जो पुरानी कमेटी में उपाध्यक्ष थे। सर आपने किस पद के लिए नॉमिनेशन किया? उपाध्यक्ष के लिए किया है। सर जो आपकी पिछली कमेटी थी कुछ कोरोना ने बाधा किया, बहुत सारे विवाद भी रहे, अगर आप चुन के आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी इस बार? तो क्या पिछली बार आपने कोशिश नहीं की थी? कोरोना तो हर स्टेट में था, लेकिन वो बिहार को वो स्थान नहीं मिल पाया जो बाकी स्टेट को मिल पाया है अभी तक। देखिए बिहार के साथ जितने एडवर्स सिटीज हैं सब आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो है चीजों को डिस्टर्ब कर। क्रिकेट में हमेशा देखा जाता है, क्रिकेट ही नहीं सारे स्पोर्ट्स में देखा जाता है कि पॉलिटिक्स हो रहा है बिहार में। बट इन फ्यूचर हम आपको एश्योर करते हैं कि डेफिनेटली जो है सो बिहार को एक मकाम जो है मिलेगा। तो क्या अब क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होगा? पॉलिटिक्स हो लेकिन हम लोग जो है सो क्रिकेट वी आर द ट्रू प्रमोटर ऑफ द गेम क्रिकेट, इसलिए जो है हम लोग अपनी ओर से पूरी प्रयास करेंगे पूरा कि हम लोग इस गेम को हर दृष्टि से जो है सो हर तरीके से हर एंगल से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करावें। कि अक्सर देखा जाता है कि गली में जो क्रिकेट खेलते हैं वो काफी अच्छा खेलते हैं और इस फील्ड में जो खेलते हैं उनसे अच्छे खेलने वाले गली के होते हैं, तो उन खिलाड़ियों के लिए क्या कहते हैं? गली में खेलने का मतलब ये कभी नहीं है कि उस खिलाड़ी के पास स्किल नहीं है, और क्रिकेट जो है वो स्किल का गेम, जहाँ भी स्किल डेवलप कर गया है, क्रिकेटिंग सेंस डेवलप कर गया है तो ही विल गो ऑन। अब उसको थोड़ा उसको मौका मिले, अगर उसको मौका मिले तो वो काफी ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल वही रह गया सर कि अगर आप जीत के आते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता है कि खेल को के माहौल को जो है सो हम लोग बेहतर तरीके से यहाँ संचालित करें और जो है बिहार से टॉप क्लास क्रिकेटर जो है सो देश लेवल के इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर हम लोग जो है सो प्रोड्यूस करें और जो है बिहार का नाम हो इंटरनेशनली नेशनली सब। धन्यवाद दिलीप जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।